स्मेल आता था और इस स्मेल की वजह से बहुत लोगों को डिजीज भी होता था। और ऐसे मौसम्स के टाइम पे जब मौसम जैसे बारिश कभी कभी गर्मी, उसमें तो और भी एक्सट्रीम स्मेल आने लग जाता था, तो बिल्कुल भी अनबेयरेबल। और जब जो ओल्ड पीपल होते थे उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो नॉइस आते थे सुबह सुबह ट्रक्स के, डेली शाम को नाइट को हर टाइम पे ट्रक्स की आवाज़ आने लग जाते थे। और नाइट टाइम पे मैंने कई बार नोटिस भी किया है वहाँ पे फायर भी लगा देते थे कचरे को, जिससे बहुत पॉल्यूशन बढ़ता है हमारे इन्वायरमेंट को। तो ये थैंक गॉड कि ये स्टॉप हो चुका है। ये किसकी वजह से स्टॉप हुआ है? हाई कोर्ट की वजह से। थैंक यू हाई कोर्ट वेरी मच, ये स्टॉप हुआ। अब शायद हम लोगों को बहुत रिलीफ फील होने लगे। Thank the Honorable Bombay High Court for its decision and forcing the BMC to close this dumping ground. बरसात आई तो बरसात का पानी बंद हुआ तो उसके बाद में मक्खियाँ आ जाना चालू हो जाता था, फिर और बदबू आती थी। रात को आप सोए हैं और अचानक आपको एक ऐसी स्मेल आई, पता चला कि आप खांसते ही रहो, पता ही नहीं चलता क्या हो गया है मेरे को। जब ऐसा होता था तो तकलीफ होती। कोर्ट ने तो बहुत पहले आदेश दिया था, पर क्या है गवर्नमेंट उसको फिर एक्सटेंशन ले लेती थी या कोर्ट को कुछ मना लेती थी। आज हम हाई कोर्ट का धन्यवाद मानने आए हैं कि उन्होंने, उनकी वजह से आज ये हरिओम नगर का जो डंपिंग ग्राउंड बंद हो रहा है, हम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। आज जो निर्णय न्याय व्यवस्थेचा आलेला आहे तो फक्त न्यायव्यवस्थेमुळे हा निर्णय लागलेला आहे। हे जे कोणी BJP वाले श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते चुकीचं आहे। जर त्यांना जर एवढीच जर काळजी होती ज्यावेळेस न्यायपालिकांनी मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाला ज्यावेळेस त्यांना ठणकावून सांगितलेलं की तुम्ही बंद करा, पण सत्ता असतानासुद्धा त्यांनी बंद केलेलं नाही। फक्त आजचा जो निर्णय लागलेला हा फक्त न्यायपालिकेने दिलेला आहे आणि न्यायपालिकेचा आम्ही मुलुंड वाशीच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आणि जो सदैव न्यायपालिकेवरती आमचा विश्वास आहे तो भविष्यात पण राहील। जय न्यायपालिकेचा विजय असो, सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम सारे मुलुंड और ठाणा के जो रहिवासी हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आज ये यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है 1967 से कार्यरत था, और ये 1967 से कार्यरत है, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बावजूद इसके मुंबई महानगर पालिका, जहाँ पे वर्षों से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, यहाँ पे इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने में नाकामयाब रहे। लेकिन केवल और सिर्फ सम्माननीय उच्च न्यायालय के डंडे की वजह से, उनके निर्णय की वजह से आज ये डंपिंग ग्राउंड 1 अक्टूबर 2018 से बंद किया गया है। ये केवल और केवल उन्हीं का श्रेय है। यहाँ के स्थानिक विधायक या स्थानिक सांसद या कोई भी व्यक्ति अगर ये क्रेडिट ले रहा होगा कि ये हमारा वचन पूर्ति है, फलाना है, ढिंगना है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी निषेध करते हैं। और केवल हम सारे स्थानिक रहिवासी केवल और केवल सम्माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी वजह से
ये आज हमको डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ है मुलुंड थाना के और आसपास के परिसर के लोगों को बहुत बड़ी राहत है। धन्यवाद। कैमरामैन मिहिर जोशी के साथ नितिन मणियार। प्लीज सब्सक्राइब PNR न्यूज, ए न्यू YouTube न्यूज एजेंसी, एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।